नमस्कार, आप लोग को जो है बहुत ही महत्वपूर्ण लेटर लेके आए हैं। जैसे कि इस तरह से लेटर दिया गया है और पोषण पखवाड़ा जो है 20 मार्च से लेके और 3 अप्रैल तक चलने वाली है। और इसमें जो है लेटर में क्या आई है, इसमें क्या क्या गतिविधियां हैं, इस सभी के बारे में जानेंगे। क्योंकि आप लोग को जो है हर साल जो है पोषण पखवाड़ा आप लोग मनाते हैं, इसी तरह से जो है पोषण पखवाड़ा 2023 यानी कि जो है 20 मार्च से लेके और 3 अप्रैल तक चलेगी। तो चलिए हम लोग इस लेटर के बारे में जानते हैं। बाद बाकी जो भी नए आंगनबाड़ी सेवक का है या पुराने आंगनबाड़ी सेवक का है, इस वीडियो को पूरा पूरा देखें, आप लोग जरूर समझेंगे। तो आइए हम लोग जानते हैं। तो जैसे कि देख रहे होंगे कि ICDA से लेटर जारी किया गया है और यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि 17/3/2023 का ही लेटर जारी किया गया है। और जैसे कि निर्देशक में आप लोग देख रहे होंगे ICDS निर्देशालय और सेवा में सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी बिहार। और इस तरह से जो है देखने के लिए मिल रहा है कि 20 मार्च से लेके और 3 अप्रैल तक आप लोग को जो है पोषण पखवाड़ा चलेगी। और आप लोग को जो है जो भी गतिविधि मिलेगी उसके बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिए, विषय में देखने के लिए मिल रहा है दिनांक 20 मार्च से लेकर 3 अप्रैल 2023 तक पोषण पखवाड़ा आयोजित करने के संबंध में। तो जितने भी आंगनबाड़ी सेवक इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग के लिए महत्वपूर्ण जानकारी आज है और सभी आंगनबाड़ी सेवक ध्यान से देखें। सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिए कि 20 मार्च से लेके और 3 अप्रैल 2023 तक आप लोग को जो है पोषण पखवाड़ा का आयोजन किया गया है। तो जैसे कि देखिए आगे हम लोग जानेंगे, सबसे पहले ध्यान दीजिए, जैसे कि आप लोग आगे देख रहे हैं महाशय, आप अवगत हैं कि प्रत्येक वर्ष मार्च माह में पोषण पखवाड़ा का आयोजन किया जाता है। पोषण पखवाड़ा के दौरान समग्र रूप में व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर पर व्यवहार परिवर्तन के माध्यम से गर्भवती महिला, स्तनपान करने वाले माताओं, किशोरियों और 6 वर्ष के उम्र के बच्चे पोषण स्तर में अपेक्षित सुधार लाने हेतु जन भागीदारी से गतिविधियों को आयोजन कर जन आंदोलन के रूप दिए जाने का प्रयास है। इस वर्ष पोषण पखवाड़ा का लक्ष्य श्री अन्न यानी कि जो है मिलेट के स्वास्थ्य लाभों और कठोर जलवायु को परिस्थितियों में श्री अन्न मिलेट की खेती की उपयुक्तता के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार से निर्देशानुसार श्री अन्न मिलेट को अपनाने एवं लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से इस वर्ष 20 मार्च से लेके आप लोग को जो है 3 अप्रैल 2023 तक पोषण पखवाड़ा का आयोजन किया जाना है। पोषण पखवाड़ा में निम्नलिखित 3 विषयों पर गतिविधि आधारित है। जैसे कि देखिए 3 गतिविधि दिया गया है और आप लोग ध्यान से देखिए, तो इस तरह से जो है निम्नलिखित 3 गतिविधि है और इस तरह से आप लोग देख रहे होंगे कि पोषण न्यूट्रिशनल वेलबींग के रूप में जो है अन्न मिलेट का प्रचार प्रसार, और सेकेंड में जो है आप लोग देखेंगे तो स्वास्थ्य बालक बालिका स्पर्धा का आयोजन, यानी कि जो है स्वास्थ्य बालक और बालिका स्पर्धा में जो है आप लोग जान ही रहे हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल से हम लोग जानेंगे। उसके बाद सक्षम आंगनबाड़ी का प्रचार प्रसार। तो इस तरह से जो है 3 गतिविधि आप लोग को दिया गया है और यहाँ पे जो है न्यूट्रिशनल वेलबींग यानी कि जो है पोषण भलाई के बारे में आप लोग को फर्स्ट नंबर में करनी है। उसके बाद स्वास्थ्य बालक और बालिका स्पर्धा यानी कि जो उनका ग्रोथ देखना, ठीक है, इससे पहले भी आप लोग को जो है स्वास्थ्य बालक और बालिका स्पर्धा के बारे में जो है आयोजन किया गया था लेकिन कैंसिल कर दी गई थी। इसमें जो है यानी कि जितने भी बच्चे थे आप लोग के पोषक क्षेत्र में, आप लोग को जो है वेट और हाइट को जो है माप के आप लोग को जो है पोषण ट्रैकर पर चढ़ानी थी। तो इस तरह से जो है सक्षम आंगनबाड़ी का प्रचार प्रसार यानी कि जो है प्रचार प्रसार करनी है। इस तरह से जो है आप लोग को 3 गतिविधि दी गई है। जैसे कि देखिए कि अतः निर्देश है कि संकलन कैलेंडर के अनुसार सभी संबंधित विभागों के सामान्य व्यय से दिनांक 20 मार्च से 3 अप्रैल 2023 तक पोषण पखवाड़ा का सफलतापूर्वक आयोजन करने ते हुए प्रतिदिन प्रतिवेदन आंकड़े को जल आंदोलन डैशबोर्ड पर दिए गए लिंक यानी कि जो है डैशबोर्ड भी आप लोग को बताएंगे अभी। जैसे कि ये पोषण अभियान .in यानी कि जो है .gov.in दिया गया है, इस पर अपलोड करके सुनिश्चित करें। तो इस तरह से जो है आप लोग को जन आंदोलन यानी कि जो है यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे जन आंदोलन का आंकड़ा भी आप लोग को जो है इस पर यानी कि ये डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड पर जाके वहाँ पर आप लोग को जो है पोषण अभियान .gov.in पर जाके आप लोग को अपलोड करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ध्यान देते हैं, जैसे कि इसको काटते हैं इस लेटर को, और सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि गूगल खोलते हैं, गूगल या गूगल क्रोम खोलते हैं।
तो इस तरह से जो है आप लोग सबसे पहले आप लोग गूगल खोलेंगे, यानी कि अपने मोबाइल में गूगल होगा, गूगल खोलेंगे, यहाँ पे आप लोग सर्च करेंगे पोषण अभियान, ठीक है। इस तरह से जो है आप लोग पोषण अभियान सर्च मारेंगे, जैसे ही आप लोग सर्च मारेंगे तो इस तरह से पेज खुलेगी। खुलने के बाद यहाँ पे देखिए कि पोषण अभियान आप लोग को दिख रही है, यानी कि यहाँ से भी डाटा लॉगिन कर सकते हैं, यानी कि जो है डाटा एंट्री लॉगिन कर सकते हैं यहाँ पे भी क्लिक करके, या यहाँ पे नहीं जाते हैं तो यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट आप लोग को पोषण अभियान पे आनी है, यहाँ पे क्लिक करनी है, इस तरह से खुलेगी, यानी कि जो है आप लोग को इस तरह से जो है वेबसाइट खुल जाएगी। और यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो है पोषण पखवाड़ा 20 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक चलेगी, और इसको लॉगिन करने के लिए आप लोग को ऑफिस में जो है यहाँ से 3 लाइनिंग पे क्लिक करनी होगी। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह से पेज खुलेगी। खुलने के बाद आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे आप लोग को जो है डाटा एंट्री है, डाटा एंट्री पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप लोग को जो है यूजर आईडी और पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन करेंगे। तो इस तरह से जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आप लोग को जो है पोषण पखवाड़ा यानी कि जो है पोषण अभियान का डाटा जितने भी है वो आप लोग इसमें एंट्री कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप लोग को जो है अगला वीडियो में बताएंगे किस तरह से जो है आप लोग को लॉगिन करेंगे और किस तरह से जो है आप लोग को कौन कौन सा दिन में जो है आप लोग को कौन कौन सा काम करनी है इसके बारे में पूरा जानेंगे। बाद बाकी आप लोग हमारे आंगनबाड़ी हेल्पलाइन से बने रहिए, आप लोग को पूरा जानकारी आप लोग को जो है वीडियो के माध्यम से मिलते रहेगी। तो थैंक यू हमारे वीडियो में बने रहने के लिए, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।